नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट के ताल्लुक में। मैं रवि तिवारी, यूपी स्पेशल की अगली क्लास के साथ, या आप मैं कहूं कि जनगणना के दूसरे भाग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। जनगणना के पहले भाग को आप लोगों ने पढ़ा, जिस पर हम लोगों ने राष्ट्रीय जनगणना से बात की थी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जनगणना में बहुत प्रश्न आपके, जैसे जनगणना एक विस्तृत अध्ययन है, जनगणना से बहुत प्रश्न नहीं आते। आप जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं उस लेवल पर पांच चीजों का बहुत अच्छे से होना जरूरी है। साक्षरता, लिंगानुपात, दस की वृद्धि, जनघनत्व, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की संख्या। अगर आप घुमा फिरा के देख लीजिए तो लगभग लगभग पिछले 10 वर्षों में इन्हीं पांच से प्रश्न पूछे गए थे। धार्मिक जनसंख्या को मैंने कल ही आपको कवर कराया था, मैंने क्वेश्चन वाइज आपको हल कराया था कि धार्मिक जनसंख्या से कहां कहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है ना। मैंने आपको ये भी बताया था सबसे ज्यादा दस की वृद्धि वाला धर्म कौन सा है, सबसे कम दस की वृद्धि वाला धर्म कौन सा है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला धर्म कौन सा है ना। और धर्म के हिसाब से हिंदुओं की संख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ पे है, संख्या के हिसाब से कहाँ पे है। कल हम लोगों ने इस पर विस्तृत बात की थी। आज हम लोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के इन्हीं पांचों पक्षों पर बात करेंगे, जहां से आपके प्रश्न आते हैं और जिस फॉर्म में आते हैं उसी फॉर्म में हम लोग बात करना प्रारंभ करेंगे। बाद में यूपी की एक समरी भी की है ना, पहला बड़ा सबसे छोटा जो आपसे पूछा जाता है उसको समराइज भी किया है, वहां से भी हम लोग इन चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो आइए बहुत देर न करते हुए आज के संक्षेप लेकिन जबरदस्त इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुपात की। ठीक है तो देखिए, लिंगानुपात के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो हम अगर सभी राज्यों का आकलन करें तो राज्यों में, और हाँ, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 26वां। तो हम 26वें स्थान पर है लिंगानुपात में, ठीक है ना, 26वें स्थान पर है। अब हम लिंगानुपात देखें, राष्ट्रीय लिंगानुपात से हमारा लिंगानुपात 31 अंक कम है। कितने अंक कम है, 31 अंक। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात रट रखा है तो भी फायदा नहीं है। तो जितनी हमने राष्ट्रीय चीजें पढ़ी थी, राष्ट्रीय चीजों को अपने प्रदेश की चीजों से कंपेयर करना है। जैसे मान लीजिए, अगर राष्ट्रीय लिंगानुपात नहीं पता है तो हम ये तय नहीं कर पाएंगे कितने अंक कम है। तो हमें प्राप्त होना चाहिए कि लिंगानुपात की गणना 100 व्यक्तियों पर नहीं 1000 व्यक्तियों पर की जाती है। ये भी मैंने कल आपको बताया था, कल राष्ट्रीय लिंगानुपात की बात हुई थी, वो कितना है, 943 है। अगर राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। तो अगर आप 943 और 912 के अंतर को देख लेंगे, है ना, 943 और 912 के अंतर को देख लेंगे तो ये अंतर आपका कितना होगा, तो ये अंतर आपका हो जाएगा 31 अंक। इसीलिए कहा जाता है कि 31 अंक क्या है, बताइए कब है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो क्रमशः कौन सा है, जौनपुर। और जौनपुर का लिंगानुपात कितना है, 1024। मैंने आपसे कहा था तीन का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है तो हमें कम से कम तीन याद रखते हैं। सबसे पहले कितना है जौनपुर, आजमगढ़ वाले भी पीछे नहीं है, वो भी 1019 आसपास ही है। और 2021 की जनसंख्या में यहाँ पे चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। देवरिया वाले कितने हैं, 1017। तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया एक क्रमिक रूप से अच्छे लिंगानुपात वाले तीन जिले हैं, है ना। अब हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की अगर बात करें, है ना, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले क्या है, गौतम बुद्ध नगर कितना है, 851। ये सोचने की बात है। और फिर बागपत और हमीरपुर संयुक्त रूप से 861, है ना। तो बागपत और हमीरपुर संयुक्त रूप से 861। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध, बागपत और हमीरपुर, ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं आपके प्रदेश में। आइए फिर देखिए, साक्षरता दर की बात करें, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो कितनी है बताओ, है ना, 67.7% है। 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और महिला साक्षरता दर जो है वो 57.2% है। अब देखिए ये अंतर देखिए कितना है, है ना। हाँ, अब राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितनी कम है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 73, राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी थी, 73% थी। तो उस हिसाब से कंपेयर करने के हिसाब से देखें तो 5.3% कम है। 67.7 में 5.3% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 73। तो राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितना कम है बताइए, 5.3%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये अंतर कितना है पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का, तो कुछ नहीं, 77.3 अगर आपको याद है, इसमें से आप
57.2 को घटा दीजिए तो कितना होगा, एक होगा, एक कितना होगा, जीरो होगा, एक कितना होगा, दो। तो 20.1% का बेटा यहां पर अंतर है आपके प्रदेश में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में। क्लियर है? चलिए, उत्तर प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिले कौन से है ना, जिले की बात करते हैं ये, तो सबसे अधिकतम साक्षरता वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश में वो कौन सा है बताइए। हाँ, गौतम बुद्ध नगर है। देखिए, जनसंख्या में लिंगानुपात में कम है। अब देखिए कंट्राडिक्शन, देखिए इतने शिक्षित है, तो इतने शिक्षित अगर हैं तो लिंगानुपात कम नहीं होना चाहिए। शिक्षित व्यक्तियों का लिंगानुपात अच्छा होना चाहिए। न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर वाले, लेकिन साक्षरता के हिसाब से सबसे ज्यादा है ना, तो कुल साक्षरता में वाला जिला कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। फिर दूसरे पर कौन सा है बताइए, कानपुर नगर है, ये 79.7% है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती है 46.74% और इसके बाद बहराइच है ना। आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, दो हमेशा याद रखिएगा ये दोनों को, है ना। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, सबसे पहले श्रावस्ती और फिर बहराइच, और अधिकतम साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और क्या है, कानपुर है। ठीक है, परसेंटेज अगर याद कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है और जनगणना से जरूर क्वेश्चन आते हैं। पुरुष और महिला साक्षरता अलग से पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अधिकतम पुरुष साक्षरता में भी बदला नहीं है, अगर सबसे ज्यादा बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की ही है। अधिकतम पुरुष साक्षरता में अगर सबसे ज्यादा बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की ही पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि औरैया की दूसरे नंबर पर है, औरैया है ना, औरैया इस बेल्ट में है, औरैया की दूसरे नंबर पर है। अगर हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें है ना, तो उसमें भी आंकड़ा बदला नहीं है, वो भी आपका बहराइच है। तो पुरुष साक्षरता के आंकड़े और साक्षरता के आंकड़े लगभग एक ही हैं, अधिकतम और न्यूनतम के उसमें कुछ भी बदला नहीं है। इतनी बातें इसलिए आपको बोल देता हूं ताकि आपको दिमाग में ये चीजें कोट करने में दिक्कत ना हो। और बहराइच का कितना है बताओ, 58.34%। अब महिला साक्षरता की बात करें तो यहां पर आंकड़ा बदल गया। अधिकतम महिला साक्षरता कानपुर नगर में है, अधिकतम महिला साक्षरता कानपुर नगर में है और फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है ना। तो दोनों पड़ोसी हैं, 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अधिकतम महिला साक्षरता कानपुर और लखनऊ पड़ोसी, तो कानपुर में अच्छा है, पहले नंबर पे है और फिर क्या है आपका, लखनऊ में। न्यूनतम की बात करें तो श्रावस्ती, श्रावस्ती देखिए न्यूनतम में तीनों जगह पहले स्थान पर है। श्रावस्ती वाले ध्यान दें भाई, पढ़ा लिखा करिए, पढ़ाया लिखाया करिए। श्रावस्ती 34.78% और बलरामपुर कितना है बताओ, 38.43%। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो जिले आपके हैं वो कौन से, श्रावस्ती और बलरामपुर है। आइए, राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में 29वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 29वां, तथा साक्षर जनसंख्या की वृद्धि में 3रा स्थान है। मतलब एक जनसंख्या से, एक जनगणना से लेके दूसरी जनगणना तक जो वृद्धि हुई, उस वृद्धि कितनी हुई, 57.25%, उस हिसाब से 3रा स्थान है। क्लियर? और सभी राज्यों को अगर आप लोग देखें तो वृद्धि में तो 3रा है, लेकिन वैसे सार्वजनिक स्थान कौन सा है आपका, 29वां स्थान आपका सार्वजनिक रूप से। क्लियर हुई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। जनघनत्व, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए, राष्ट्रीय जनघनत्व कितना है, 447 अंक अधिक है। कल राष्ट्रीय जनघनत्व की बात हुई थी, राष्ट्रीय जनघनत्व कितना है, 382। तो 382 और 829 का जब हम अंतर लेंगे तो ये अंतर कितना है बताइए, 447 है ना। तो 382 और 829 का अंतर लेंगे तो अंतर कितना है बताइए, 447 अंक है। तो ये देखिए, भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, राष्ट्रीय जनघनत्व से 447 अंक ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, गाजियाबाद, फिर वाराणसी और फिर लखनऊ है ना, गाजियाबाद, वाराणसी और फिर लखनऊ। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो कौन सा है, ललितपुर, फिर सोनभद्र और हमीरपुर। अब देखिए, ललितपुर सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का दो पांव कहा जाता है ना, और दोनों पांव जो है उनमें जनसंख्या का निवास कम है, न्यूनतम है ना। मध्य प्रदेश तीन तरफ से घिरा हुआ है, ललितपुर तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और सोनभद्र को चार राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसको चार राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, किस किस की बताइए, झारखंड की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की है ना। तो अब याद रख लीजिएगा,
जो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो जनसंख्या है वो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे बताइए, सोनभद्र में है और हमीरपुर में है, क्लियर। तीसरे ललितपुर में है और सोनभद्र में है जनघनत्व, और तीसरा क्या है बताइए, हमीरपुर है। आइए उत्तर प्रदेश के राज्यों में जनसंख्या घनत्व में, अब राज्यों में वैश्विक रूप से देखें, राष्ट्रीय रूप से देखें अगर पूरे, तो उत्तर प्रदेश में चौथे स्थान पर है। देखिए एक बार मैं आपको आपके प्रदेश की स्थिति बता रहा हूं, राष्ट्रीय से कितने अंक कम है ये बता रहा हूं, और फिर ये बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है, फिर ये भी बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, क्लियर। आइए समग्र सूची में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की बात करें, ठीक है, तो राज्य की अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है, ठीक है। सर्वाधिक कहां पे है, आजमगढ़ में है, तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है और सर्वाधिक कहां पे है बताइए, आजमगढ़। जनसंख्या की दृष्टि से सीतापुर, देखिए अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं, जनजाति की नहीं, जनजाति में सोनभद्र आ जाएगा, मैं जनजाति की नहीं जाति की बात कर रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य की अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है, सर्वाधिक कहां पे है, आजमगढ़ में है। जनसंख्या की दृष्टि से सीतापुर अधिकतम और बागपत न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले हैं, है ना, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले हैं। और लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पे है, वो आजमगढ़ में है। अगर अनुसूचित जनजाति की यहां पर बात हो जाए तो बताओ सर्वाधिक कहां पर होगी, तो सर्वाधिक आपकी हो जाएगी सोनभद्र में, और न्यूनतम कहां पर हो जाएगी, न्यूनतम आपकी हो जाएगी कहां पर, बागपत में, अनुसूचित जनजाति। और ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, अनुसूचित जाति की। आइए प्रतिशतता की दृष्टि से कौशाम्बी क्षेत्र, हाँ संख्या की दृष्टि से, प्रतिशतता की दृष्टि से कौशाम्बी में अधिकतम और बागपत में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां पर, कौशाम्बी, और बागपत में क्या है, न्यूनतम है। आइए आप देखिए अनुसूचित जनजातियों की बात करें, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रदेश की कुल संख्या की 0.6% है। मैंने आपको बताया भी था अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, 951 है, ध्यान रखिएगा। और देखिए 2002 तक केवल दो ही अनुसूचित जाति भारत में थी, मैंने जनजातीय वितरण में आपको पढ़ाया है, कौन सा एक थी आपकी, आज थी बुक्सा और थारू, है ना। फिर 2003 में 10 जनजातियों को और जोड़ दिया गया, तो अब कितनी हो गई, 12 हो गई, है ना, अब कुल कितनी हो गई, 12 हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से सोनभद्र अधिकतम, मैंने अभी बताया, और बागपत न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से भी सोनभद्र अधिकतम है और बागपत न्यूनतम है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, प्रतिशतता की दृष्टि से भी सोनभद्र अधिकतम है और बागपत न्यूनतम है। आइए 10 की वृद्धि दर देख लें अगर हम लोग, तो 10 की वृद्धि दर के अनुसार राज्य का देश में स्थान 15वां है, राज्य का देश में स्थान कौन सा है, 15वां है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं बताइए, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती, तीन तीन ही याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं है ना, ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले दर वाले जिले कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, कानपुर नगर है आपका, हमीरपुर है और बागपत है, कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत है, क्लियर। आइए दिव्यांग जनसंख्या आजकल पूछी जा रही है, दिव्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में विकलांगों या दिव्यांगों की संख्या का जो प्रतिशत है वो 2.08%, ये नया डाटा इंक्लूड हुआ है। प्रदेश का सर्वाधिक विकलांगता वाला जिला प्रयागराज है ना, मतलब प्रयागराज जो इलाहाबाद है और प्रयागराज है, इसमें सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या निवास करती है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र तथा उत्तर, हाँ देखिए इसको देखिए, कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम, कल भी मैंने बताया था, और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो आपसे पूछा गया एक परीक्षा में कि कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7-10 लाखी वाले नगर क्षेत्र है। जनसंख्या के आधार पर इन महानगरों का क्रम है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, जो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश के जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 64 है ना, 2011 के अनुसार। अब ये डाटा बहुत बदल चुके होंगे अगले साल के बाद, लेकिन अभी चुकी हमको 2011 की भी पढ़ना है, तो 10 लाख ही जो नगर है वो कितने हैं, 7 है, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, 64 है। आइए अब देखिए कुल क्षेत्र, अब उत्तर प्रदेश का एक देख लें, एक समग्र देख लें, कुल क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, चौथा, किसके बाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। कुल जनसंख्या में स्थान प्रथम, पुरुष जनसंख्या में प्रथम, महिला जनसंख्या में प्रथम, जनघनत्व में चौथा, लिंगानुपात में 26वां। एक इनिशियल डाटा है जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, यहां से हला
कुल जनसंख्या प्रथम, पुरुष जनसंख्या प्रथम, महिला जनसंख्या प्रथम, जनघनत्व चौथा, लिंग अनुपात में 26वां, 10 की वृद्धि दर में 14वां और साक्षरता दर में 29वां। सीधे पूछा जाता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर चुके हैं। इसी फॉर्मेट पे आपको तैयार करना है जिस फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? आइए इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण आपको क्या याद रखना है। चलिए जनगणना अमल में कुल जनसंख्या सर्वाधिक कहां पे है? प्रयागराज में। सबसे कम कहां पे है? महोबा में। कुल पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। कुल महिला जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। चारों डाटा एक ही है इसलिए बदलने नहीं है और ध्यान देना है। कुल जनसंख्या का डाटा नहीं बदला, पुरुष जनसंख्या का नहीं बदला, महिला जनसंख्या का नहीं बदला, 0 से 6 वर्ष की आयु का नहीं बदला। ठीक है? अब 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर में है और कानपुर देहात में है। जनघनत्व सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है और सबसे कम कहां पे है? ललितपुर में। सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद, सबसे ज्यादा ललितपुर में। आइए कुल साक्षर जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रयागराज में, सबसे ज्यादा सबसे कम श्रावस्ती में। कुल जनसंख्या पुरुष साक्षर जनसंख्या अभी आपको बताया गौतम बुद्ध नगर में, श्रावस्ती में। महिला साक्षर जनसंख्या कानपुर नगर में, श्रावस्ती में। कुल साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में, श्रावस्ती में। कंफ्यूज मत होइए, ये साक्षरता दर पूछा है। साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में, आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और साक्षर जनसंख्या प्रयागराज में है ना, साक्षरता दर और साक्षर जनसंख्या में अंतर है। आइए महिला साक्षरता दर कानपुर नगर श्रावस्ती बता दिया, लिंगानुपात जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर बता दिया, शिशु लिंगानुपात ये अभी वहां डिस्कस नहीं हुआ, बलरामपुर में सबसे ज्यादा है और बागपत में सबसे कम है। इस टेबल को जरूर याद करिएगा। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा श्रावस्ती में है प्रतिशत में और सबसे कम गाजियाबाद में, और शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा गाजियाबाद में, श्रावस्ती में। क्रम बदल गया, विकर्णीय रूप से बदल गया है ना। ग्रामीण जनसंख्या जाहिर सी बात है जहां पे सबसे ज्यादा होगी वहां पे शहरी जनसंख्या सबसे कम होगी, और शहरी जनसंख्या जहां पे सबसे ज्यादा होगी वहां पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम होगी। चलिए तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। प्रदेश की जनसंख्या को हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष रहूंगा। छोटा लेकिन जरूरी एपिसोड था। थैंक यू। नमस्कार।